नमस्कार, आप देख रहे हैं अरुण भूमि समाचार। इस वक्त हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं अंगारो रिजोर्ट से। मेरे साथ दिवांग पॉपअप इवेंट का ऑर्गेनाइजर है, उनसे हम जानेंगे कि ये दिवांग पॉपअप जो क्या है और इसमें क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं। ये जो दिवांग पॉपअप जो है या अंगारो रिजोर्ट में हो रहा है उसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। 3 डेज का इवेंट है दिवांग पॉपअप जो हम लोग ऑर्गेनाइज किया है। एक्चुअली हमारा मेन जो आइडिया था वो स्मॉल बिजनेस जो कर रहा है स्टार्ट, उनको प्रमोट करने के लिए। बट देन अभी ऐसा हुआ कि जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश बिजनेस है वो लोग भी आके हम लोग को अप्रोच कर रहे हैं कि स्टॉल करेगा ना, तो ऐसा हो कि हम लोग वो लोग को भी हम लोग एक्सेप्ट किया है, सो दैट वो लोग आके सिखाए वो लोग कैसा इतना एस्टैब्लिश हो गया बिजनेस कैसा करना है। जो बाकी नया नया है वही है कि आके सीखो और सिखाओ, वो हम लोग का एजेंडा है। हेल्थ कैंप भी एक हो रहा है, फ्री चेकअप हो रहा है, जो अब्रालो मेमोरियल बोल के एक एनजीओ है वो लोग करा रहा है ये जो हेल्थ कैंप है ना। एक्चुअली हम लोग को बहुत सारे ने स्पॉन्सर किया है ये इवेंट को, तो वो स्पॉन्सरशिप से हम लोग क्या कर रहा है, जो स्टूडेंट्स अंडर प्रिविलेज हैं जिनको मौका नहीं मिलता है स्किल सीखने का, बिकॉज कॉस्टली भी हो जाता है ट्रेनिंग लेना क्लासेस लेना, तो वो बच्चों लोग को हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर गिविंग देम अपॉर्चुनिटी सीखने के लिए स्किल, तो वो सब है। एंड देन बच्चा लोग के लिए नेचुरल ड्राइंग और पेपर मेकिंग है और योगा थेरेपी है। आपका जो ये इवेंट है उसमें कितना बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स लोग जुड़ चुका है वो बता दीजिए। अभी तो 20 आ चुका है, लाइक अच्छा अच्छा जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश है वो लोग भी आ रहा है। मेट्रू हो गया, अरसांग, ऑल ड्यू, ये सब जो है ना बाहर से चांगलांग ईटानगर वहाँ सब से आ रहे हैं लोग, तो वो है कि यहाँ भी आओ सिखाओ यहाँ का जो लोकल है बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो है, बताओ कि कैसा, बिकॉज हर समय तो कांटेक्ट करना फोन में बात करना मिलने का भी मौका नहीं मिलता है, तो ये एक प्लेटफॉर्म हम लोग दे रहा है जहाँ वो लोग कनेक्ट कर पाएगा ऐसा ना सीख सकेगा। और आपका जो पैम्पलेट आपका जो बैनर रहता है उसमें हमने ये भी देखा है कि यहाँ कुछ ऐसे लोकल आर्टिस्ट के द्वारा कुछ परफॉर्म भी लाइव परफॉर्मेंस कुछ होने वाला है ऐसे। हाँ, बेसिकली हम लोग का आइडिया वही था कि बस स्टॉल्स रहेगा, मार्केट होगा जो बिजनेस का करने वाला है, बट देन हम लोग उसके लिए क्राउड ज्यादा पुल नहीं कर पाएगा बिकॉज दूर दूर से आएगा आदमी लोग स्टॉल बिठाने के लिए, देन इतना प्रोडक्ट सेलने अगर आदमी नहीं आएगा तो इसलिए शाम को हम लोग रखते हैं लाइव म्यूजिक। वो सब भी वो स्टूडेंट्स लोग हैं, बिकॉज हर बच्चा क्या होता है, दे आर नॉट गुड इन स्टडीज एवरी वन, सब कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता, किसी को गाने का शौक है लिखने का शौक है, तो ऐसा लोग को हम लोग वे गिविंग ए प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो लोग अपना टैलेंट शो कर सकेगा, तो वैसे लोग है स्पेशली ड्रॉप आउट किड्स लोग है वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, देर रैप कर रहे हैं वो लोग अपना गाना लिखा वाला, ऐसा सीन है। अपना लोकल मशहूर सिंगर का कुछ परफॉर्मेंस देखने को भी मिलेगा क्या? हाँ वो आएगा, कार्नो एक है हमारा हीरो वो आएगा, कार्नो है, अंगुन है और अनीता छेत्री जो दिबांग सिंगिंग स्टार जिला था वो लोग है, और उसके बाद बाकी जो है वो लोग सब नया 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 सीख रहा वाला अभी उभर रहा वाला आर्टिस्ट लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई विल शो यू अराउंड आवर दिवांग पॉपअप का इवेंट्स में क्या क्या होने वाला है। दिस विल बी आवर स्टेज एरिया, छोटा सा स्टेज है, वी आर नॉट मेकिंग इट बिग क्योंकि अभी एग्जाम्स वगैरह चल रहे, तो वी डोंट वांट टू कॉज अ मोर क्या नाम था डिस्टर्बेंस ना। एंड यहाँ पे होगा हम लोग का फूड स्टॉल, दीज आर ऑल फूड स्टॉल, एंड देन उधर में हम लोग का जो पिकेट फेंस लगा के रखा है दैट इज आवर किड्स एरिया, जो योशीज वर्ल्ड बोल के जो रोइंग में है वो करा रहा है, वी आर गिविंग देम द स्पेस। एंड दिस साइड विल बी आर ये मार्केट स्पेस, यहाँ में क्लोदिंग का होगा, पॉट्स होगा एंड नर्सरीज होगा, एंड फिर उस साइड में भी कपड़ा का है, मतलब जो बाहर से भी बुटीक्स वगैरह आ रहा है तो उसका भी यहाँ में क्रिएशंस डिस्प्ले में होगा, यू कैन कम शॉप यहाँ से।